हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से नए वीडियो पे स्वागत है। सो गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक पे है, लेकिन ये बात बहुत सारे आदमी को पता नहीं होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ईयरफोन का यहाँ पे वायर है, और इस वायर को हम लोग डायरेक्टली सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग हो नहीं पाता है, और बहुत सारे आदमी समझते हैं कि ये सोल्डरिंग शायद नहीं होता होगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, ये सोल्डरिंग होता है, और कैसे होता है मैं इस आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ईयरफोन है, और यहाँ से वायर वो टूट चुका है, और यहाँ पे टूटा हुआ जो भी वायर है इसको पहले हम यहाँ से डीसोल्डरिंग कर लेंगे। डीसोल्डरिंग करने से पहले आपको यहाँ पे पेस्ट को अप्लाई करना होगा, तभी यहाँ से अच्छा तरीका से जो भी है हो पाएगा। यहाँ पे मैं 60 वाट का आयरन यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो 25 वाट 60 वाट कोई भी यूज कर सकते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर लगा नहीं होता है सोल्डरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सोल्डरिंग यहाँ से हटा लिया हूँ, जो भी मतलब टूटा हुआ लगाया था। और इस वायर को कैसे यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे, तो इस वायर को सोल्डिंग करने के लिए आपको सबसे पहले पेस्ट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। यहाँ पे पेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर आप यहाँ पे पेस्ट नहीं लगाते हैं तो आपका ये सोल्डिंग नहीं हो पाएगा, 100% सोल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो पेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर बढ़िया तरीक़ा से पेस्ट लगा लेंगे और दोनों वायर को अलग अलग कर लेंगे ताकि एक में ही सट ना जाए, तो ऐसे आपको कर लेना होगा। उसके बाद में जो भी हमारा शोल्डर है उस पर हम पेस्ट लगाएंगे, और ये जो हमारा बीट है आयरन का इस पर हम पिघला लेंगे। उसके बाद में जो हमारा वायर है इस पर टच करेंगे, आयरन पूरा तरीका से हीट होना चाहिए जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आसानी से यहाँ पे जो भी लगा होता है पीवीसी वो आराम से यहाँ से हट जाता है। यहाँ पर देखिए इस वाले वायर में यहाँ पे पीवीसी जा चुका है, यहाँ पे प्लास्टिक जैसा पीवीसी रखता है और जो भी है यहाँ पे हट चुका है। मतलब आप आयरन से ही इसको हटा सकते हैं, पहले हटा लीजिए उसके बाद में सोल्डिंग कीजिए। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया ये हट चुका है, और उसके बाद में हम सोल्डिंग करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छा सोल्डिंग होगा। वीडियो को यहाँ तो पे थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड किया है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो सोल्डिंग कर लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा सोल्डिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन सोल्डिंग हुआ है, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसे आप इस ईयरफोन को सोल्डिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से हो जाता है। गाइस, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।